नमस्कार। स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वच्छकार समाज की आवाज। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम स्वच्छकार समाज में ऐसे व्यक्तित्व को आपसे रूबरू करवाते हैं जिन्होंने स्वच्छकार समाज के लिए योगदान दिया हो, या खुद स्वच्छकार समाज से आते हो, या तमाम जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर तरह की जो समस्याएं हैं हमारे स्वच्छकार समाज की, उस स्वच्छकार समाज की आवाज में हम आवाज को शामिल करते हैं। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ कवि बाबूराम बादल जी हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं है, जाना पहचाना नाम यूपी के कम से कम क्षेत्र में है। क्या उनकी पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी है, उनका पूरा परिचय क्या है, हम सीधा बाबूराम जी से बादल जी से खुद पूछेंगे। बादल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्वच्छकार समाज की आवाज में। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। बादल जी, आप अपना पूरा परिचय बताएं मुझे, हमारे दर्शकों। जी डॉक्टर साहब, मैं स्वच्छकार समाज एक स्वच्छकार हूँ। कवि बाबूराम बादल, ये मेरी पहचान है। और वाल्मीकि कुल जन्मा, वाल्मीकि कुल जन्मा, कर्म दलित कल्याण और गलियों कूचो से समता का उठा रहा तूफान, गलियों कूचो से समता का उठा रहा तूफान, यह है मेरा परिचय। क्या बात है, आपका परिचय ही काव्यात्मक है, बहुत मजा आ गया। मैं अब आपकी बात शुरू करने से पहले मुझे आप एक अच्छी सी कविता और सुनाइए। धन्यवाद। बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि समाज में हो रहा है, हम समाज के बिल्कुल अंतिम पायदान पे हैं। और देखिएगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब समाज में समता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वाणी में सद्भाव है, वाणी में सद्भाव है और दिल में बैठा दुर्भाव। कैसे संभव हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है बादल ये संभव, कैसे संभव हो सकता है? इसलिए वाणी में अगर संभव है तो दिल में भी संभव होना चाहिए, व्यवहार में होना चाहिए। और सुनाइए, और सुनाइए, ऐसे आज आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है डॉक्टर, पढ़ते भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम चाहेंगे। और खासकर बादल जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि स्वच्छकार समाज वाल्मीकि समुदाय से संबंधित कोई भी रचना आप पहले पढ़ें, उसके बाद जो लगे वो पढ़िए। धन्यवाद। समाज में ऐसा होता है कि स्वच्छकार सफाई करता, स्वच्छकार सफाई करने वाला जो गंदगी फैलाता है, समाज की ऐसी सोच है कि जो गंदगी फैलाता है उसे गंदा कहा जाता है और जो गंदगी फैलाता है उसे साफ सुथरा कहा जाता है। इसी पे हमने लिखा और आपको पूरे समाज को समर्पित है कि जो बंदा गंदा करे, जो बंदा गंदा करे पाक साफ बन जाए, जो गंदा को साफ करे वह गंदा कहलाए, वो गंदा है कहलाए। ये कैसी व्यवस्था है समाज की। और हम खुद एक बीए पास सफाई वाले हैं और आज तक 28 साल की सर्विस हो गई और कोई प्रमोशन नहीं मिला, आज भी हम झाड़ू लगा रहे हैं। देखिएगा कि ये बीए पास सफाई वाला, बीए स्नातक हैं हम, बीए पास सफाई वाला उठा टेक विधायक और देसी मुर्गा बुर्गा काटे, छाने बियर मिलाए, ना लायक सब लायक हो गए, ना लायक सब लायक हो गए और नीतिकार ना लायक, अपराधी इंसाफ में बैठा, अपराधी इंसाफ में बैठा, कैसे करी शिकायत, अब कैसे करी शिकायत। हकीकत समाज की ये है, हमें इस तरह से गिराया गया है। जैसे अपने जीवन के जो अपने जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं, जिस समय हम शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, प्राइमरी स्कूल में थे, उस दौरान की एक घटना है कि जब हम शिक्षा के लिए स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ और हम पढ़ने जाने लगे, तो
तो एक घटना ये हो गई कि कुत्ता एक मर गया स्कूल में, एक कुत्ता स्कूल में मर गया और वहां के प्रिंसिपल वो हमको बुलाए और कहा कि इस कुत्ते को तुम फेंकाओ। और चूंकि हमारा शुरू से ही, हमारा बचपन से ही ओजस्वी विचार रहा है, हमारा विचार ही कुछ उत्तेजक रहा है, लिहाजा हमने कहा हम यहाँ शिक्षा लेने आए ना कि कुत्ता फेंकने हम नहीं आए। तो उन्होंने हमको इतना मारा कि हमको मार मार के बेहाल कर दिया। अंत में जब वो पेशाब के लिए स्कूल के पीछे गए तो चूंकि हम को मार मार के इतना मारा था कि हम बैठे रो रहे थे, फिर हम पीछे से गए और उसको एक ईंटा हचक के हमने मारा और भाग आए, घर आ गए। फिर हमारे पिताजी गए और वो शिकायत की और बस्ता लेके चले आए। ये घटना हमारे जिंदगी में घटी। तो हमारा विद्रोही विचार बचपन से रहा है, यही एक कवि का रूप ले लिया है। हम समाज में समता चाहते हैं, समाज में जितना भी हो मानसिक परिवर्तन चाहते हैं और सबको हक मिले, ये हमारी मांग है। इसलिए हम कहते हैं कि खंड खंड पाखंड हो, खंड खंड पाखंड हो और चूर चूर घमंड हो, शोषण आतंक बंद हो, बस ऐसा शासन को बंद हो, ऐसा शासन को बंद हो, ये कवि की मांग है। दूसरी चीज, एक घटना और घटी कि जब हम एक चाय की दुकान में बैठे चाय पी रहे थे तो दो अध्यापक आए, एक अध्यापक था रिटायर और एक अध्यापक था पोस्ट। तो रिटायर अध्यापक जो पोस्टेड अध्यापक को सलाह दे रहा है कि मैंने जिंदगी में जिस परंपरा का निर्वाहन किया है उस परंपरा का निर्वाहन करो, नहीं तो एक दिन गुलाम बन जाओ। तो उन्होंने कहा क्या कि यदि मेरे स्कूल में जो भी बच्चा आया एडमिशन के लिए, अगर उसके नाम के आगे द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी सिंह गुप्ता पाठक लगा है तो मैं समझ जाता हूँ कि सामान्य वर्ग का है, तो मैं उन्हें प्रेम से पढ़ाता हूँ और चाहे जितना गड़बड़ हो पढ़ने में मैं पास करता देता हूँ, क्योंकि पास तो मुझे ठीक करना है ना। तो और यदि उसके नाम के आगे कुछ नहीं लगा है तो मैं समझ जाता हूँ या तो ये बैकवर्ड है या तो पक्का दलित है। फिर इनको इतना मारता हूँ कि भग जाए पढ़े ना, क्योंकि आज ये बच्चा है कल के सियाना होगा, रोजी रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करेगा और करेगा तो क्या करेगा, एक जाहिल कर भी क्या कर सकता है, मजदूर बनेगा तो मजबूर रहेगा, हमारी गुलामी करेगा, हमारी हरवाही करेगा। बस देखिएगा यहीं पे हमारी रचना पूरे समाज के लिए समर्पित। देखिएगा कि द्रोणाचार्य भी मरा नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जिंदा है तो वो जिंदा है। द्रोणाचार्य भी मरा नहीं है, वो अंगूठा काट जी खरा नहीं है, द्वेष अभी भी व्यापक हैं ये जितने मनुवादी अध्यापक हैं। वर्गवाद में बांटा है, प्रतियोगी जाति से छांट रहे हैं, पहले अंगूठा काटा था अब नंबर काट रहे हैं। किसी दलित और बैकवर्ड का बच्चा जल्दी से मैरिट में नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, इसका कारण बस यही जातिवाद। लोहे से लोहे को जैसे काटा जाता है, प्रतिभाएं जाति के छन्नों से छाटा जाता है, और समाज में होता है क्या है कि नफरतों का बीज देखो बो रहा है आदमी, वो आदमियत को अपनी खुद खो रहा है आदमी, और आदमी का बोझ बादल ढो रहा है आदमी, आदमी का बोझ बादल ढो रहा है आदमी,
आदमी से तंग होकर रो रहा है आदमी। और बात मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तो बोलने का जरूरत ही नहीं है, आपके अंदर इतना दर्द भरा हुआ है, इतनी पीड़ा है जो झेला है, मुझे लगता है कि मेरे पास तो, मैं रोकना भी नहीं चाह रही बीच में आपको, कि आपको रोक के कुछ पूछ पाऊं, क्योंकि आप बहुत मतलब स्वच्छकार समाज की आवाज में, आपकी आवाज को शामिल मैं कर पा रही हूँ, ये मेरे लिए बड़ा बहुत उसकी बात है कि मैं आपको एक तरह से आपको सुन पा रही हूँ, आपके दर्द को, आपकी उस पीड़ा को। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे आपकी कविता से पहले, आपने मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आप में इतना सामर्थ्य है, इतना इतना प्रतिभा कूट कूट के भरी हुई है कि अगर आपको मैं ना बोलूं और पूरा इंटरव्यू आप कविता से कर सकते हैं, ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बीच में आपको जरूर रोकना चाहूंगी। और वो ये धन्यवाद डॉक्टर, कितना कुछ भी हो लेकिन हमको पद्मश्री पद्म भूषण इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे नाम के आगे एक लेबल दलित का लगा हुआ, वाल्मीकि है, इसलिए नहीं मिलेगा। बादल जी, मैं आपसे एक कुछ सवाल पूछ के फिर दोबारा आपकी कविताओं पे आऊंगी। जिस तरह के समाज से आप आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, आप कैसे पढ़ पाए हैं यहाँ तक, ग्रेजुएशन आपने कैसे की, क्या करते थे माँ बाप? बड़े तंगहाली में थे, वो भी झाड़ू लगाते थे, वो भी एक सफाई कर्मी ही थे। उन्होंने बड़े तंग हालों से हमको पढ़ाया है, बिना चप्पल जूते के, बिना ड्रेस के हम स्कूल जाया करते थे और भूखे पेट स्कूल जाया करते थे। ये हालों से हम गुजर के शिक्षा ग्रहण की, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जो हमें हक मिलना चाहिए वो हमें हक अभी तक नहीं मिल पाया है जी। इसलिए ये दर्द है, दर्द ये है कि बैसाखी पर चलने वाले बादल जी, मैं ये जरूर बैसाखी पर चलने वाले डॉक्टर साहब, इसको विशेष तौर पे आपके लिए, बैसाखी पर चलने वाले समाज में हो रहा है ऐसा, बैसाखी पर चलने वाले मैराथन की दौड़ में और प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं, गांव गली हर मोड़ में हम जैसी प्रतिभाएं दम तोड़ रही हैं, गांव गली हर मोड़ में और पद पैसे का मूल्यांकन हल निकला निचोड़ में, और विकसित राष्ट्र बनेगा कैसे इस भ्रष्टाचारी होड़ में, इस भ्रष्टाचारी को। बहुत खूब, आगे बढ़े हम चर्चा को बढ़ाएं। मैं बादल आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपको कैसे लगा कि मुझे आगे पढ़ना है, बढ़ना है, क्या ऐसा कारण था कि आप ग्रेजुएशन तक पहुंच पाए? पढ़ना एक हमारा जुनून था और हम ये सोचते थे कि एक शिक्षा ही माध्यम है जो हमें आगे ले जा सकता है, हम समाज को कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा ही एक ऐसी मास्टर चाबी है कि हर विकास का दरवाजा इसी चाबी से खुलेगा, एक शिक्षा ही चाबी है। इसी पे हमने लिखा है कि कूटनीति कोहराम मचाया, कूटनीति कोहराम मचाया और रोकना चाहा पर रोक ना पाया, और बाधाओं ने बाधा डाला, तमाम तरह की बाधाएं आई, बाधाओं ने बाधा डाला, सोचा और कुछ सोच ना पाया, सीमाएं ना बांध सकेंगी इस विश्व विजेता ज्ञान को, और शिक्षा इच्छा पूर्ति करेगी बस पहचानो पहचान को, इरादे बुलंद हो तो बुलंदी को पाएगा, और देखना एक दिन जाबाज ताज पाएगा, फिरका परस्ती की तुम्हें हस्ती मिटाना है, और बस्ती में अमन चैन की कश्ती को लाना है, बस्ती में अमन चैन की कश्ती को लाना। बादल जी, आपके लिए मैं एक लाइन कहना चाह रही हूँ, वो ये, स्वागत है, कहिए डॉक्टर। जो साहित्य की दुनिया है या कवियों की दुनिया है, उस कवियों की दुनिया में ज्यादातर मोहब्बत के मारे कवि बन जाते हैं। ये तो है,
लेकिन आप मुझे ऐसे पहले शख्स अभी तक के अपने जिंदगी में आप ऐसे बने लगे हैं मुझे कि अवस्था ने आपको, उस विद्रोह ने आपको कवि बना दिया, कवि बना दिया। आपके सारी पीड़ा, दुख, दर्द, संकट, जिन परिस्थितियों का आपने सामना किया है उसको कविता में जिस तरीके से निकल रहा है बाहर, मैं समझ सकती हूँ स्वच्छकार समाज किन दिक्कतों से आगे बढ़ता है। मैं एक बार फिर आपको दोबारा वहीं पे लेके आना चाह रही हूँ कि आपको शिक्षा आपको लेनी है, आगे बढ़ना है। वो अलग बात है कि आप वर्तमान में जिस पोस्ट पे हैं वो एक अलग बात हुई, लेकिन शिक्षा मुझे लेके आगे बढ़ना है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? प्रेरणा अलग कहाँ से पैदा हुई कि आपको अक्षर ज्ञान लेके आगे बढ़ना है? क्योंकि हमारे एक रिश्ते में मामा जी लगते हैं, वो भी एक चपरासी पोस्ट में थे और उनके अंदर भी एक जुनून था और शिक्षा थी। वो एक पत्रकार जगदीश भारती जी, ये शिक्षा हमको वहां से प्रेरणा मिली उनसे। वो हमको एक तरह से दिशा निर्देशन करते थे, हमारा मार्गदर्शन उन्होंने दिया है। और इस समय जैसे डॉक्टर आनंद जी हैं, इस समय रायबरेली में हैं, उन्होंने हमको बुलाया और हमारी कविताओं से इतना खुश हुए और उन्होंने यहाँ तक कि कवि बाबू राम बादल को राष्ट्रीय कवि का दर्जा दे दिया ऐसा। लेकिन उनकी संस्था ने दिया, सरकार ने नहीं दिया, संस्था ने दिया। अब सरकार से अपेक्षा भी क्यों कर रहे हैं? समाज सम्मान देता है वो मुझे लगता है सबसे बड़ा सम्मान होता है। जी जी, और खासकर तब जब आपका अपना समुदाय, जिस समुदाय से आप निकल के आए हैं, जब वो आपकी पहचान करता है, उस सम्मान के आगे सारे सम्मान फीके। जी 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 जी, मुझे ऐसा लगता है। जी, आगे बढ़ते हैं चर्चा की कड़ी में कि मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ कि अपने आसपास के क्षेत्र, जिस जहाँ से आप आते हैं, जिस जनपद से आप आते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएं, उसमें अपने लोगों की हालत कैसी है, खासकर स्वच्छकार समाज की? जी जी, हमारा, हम उत्तर प्रदेश के एक बहुत पिछड़े जिले से आते हैं, जिस जिले का नाम है फतेहपुर। हर मामले में पिछड़ा हुआ है और हमारे समाज की हालत बहुत दयनीय हालत है, इसलिए कि उनको एक तरह से शिक्षा की तरफ कोई नेतृत्व उनको देने वाला नहीं है। हमारे समाज के लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण ही ऐसी दशा है। और हमारा ये जुनून है कि हम समाज को शिक्षित करें, आगे बढ़ाएं, पढ़ें और पढ़ाएं, बढ़ें और बढ़ाएं, ये हमारा मिशन। बादल जी, आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं? जी, क्या कर रहे हैं आप? रोजगार क्या है अभी आपका? लेखन और कवि? रोजगार हमारा, हम एक स्वास्थ्य कर्मी है जी, कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में, एक स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं। हमारा प्रमोशन अभी तक कुछ नहीं हुआ। प्रमोशन का कारण क्या है, क्यों नहीं हो रहा प्रमोशन? प्रमोशन का कारण, जहाँ तक मेरी जानकारी है, तमाम वो चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर जो क्राइटेरिया आठवीं या पांचवी होगा किसी पोस्ट के लिए, फोर्थ क्लास के लिए, अगर वो इम्प्लॉय सातवीं आठवीं पास भी है और वो अपनी ओन जॉब भी अगर दसवीं पास कर लेता है तो सरकार को उसको प्रमोट करना ही होता है, वो प्रमोशन करती है। हमने कई, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि उसके बाद आप तो, लेकिन ग्रेजुएशन है तो ये प्रमोशन का तो क्या वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यही है कि हम पहले तो दलित हैं और दूसरी चीज स्वच्छकार, और हम संपन्न नहीं है, ये ऐसी हालत है हमारी। तो आर्थिक विपन्नता के कारण और अच्छी पहुंच न होने के कारण शायद हम नहीं हो पा रहे हैं, और
इसका यही कारण है, हमारे साथी हुए हैं जी बादल जी, मैं काफी लोग हुए हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आप इम्प्लाइज हैं तो मैं उस फाउंडेशन को समझ सकती हूँ। मैं दूसरी तरफ आपको लेके जाना चाह रही हूँ, वो ये कि अपने बच्चों को कम से कम आप फर्स्ट क्लास अधिकारी बनाएंगे, ये मैं ऐसा उम्मीद कर सकती हूँ बादल से कम से कम। तमन्ना तो यही है कि अगर हम नहीं किए तो लड़का बीएससी कंप्लीट कर चुका है और अब उसको जॉब की के लिए प्रयास कर रहा है, कहाँ तक सफल होगा ये तो बढ़िया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है शिक्षित बनो, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप जब तक आप एक मुकाम को हासिल नहीं कर लेते तब तक आप समाज के लिए भी ज्यादा बड़ा योगदान नहीं कर पाएंगे। मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है स्वच्छकार समाज के लोग मेरी बात से असहमत हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद की तरक्की करते हैं, खुद एक सम्मानजनक पेशे को आप कर रहे होते हैं, तो समाज को आप आदर्श के रूप में तभी दिखाई देते हैं, मेरा ऐसा मानना है। जैसे कि मैं ये डिनाई नहीं कर रही कि जो एक बड़े पोस्ट पे नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका महत्व कम हो जाता है, मैं ये नहीं कह रही, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी जी जी, हम समझ रहे हैं। हमारे लिए वो भी उतने ही सम्मानजनक है, चाहे वो बिल्कुल फोर्थ क्लास कर्मचारी हो या ना भी हो। जी। हमने अपने स्वच्छकार समाज में ऐसे लोगों को भी रखा है जो बिल्कुल एकदम अनपढ़ है, जी। हमने उनके काम को हमने रिकॉग्नाइज किया है। ये मेरा मानना है कि कम से कम जो पहली पीढ़ी है हमारी, जिन्होंने जो दुख दर्द झेल कर आपको ग्रेजुएशन करवाया, आपको कर्मचारी तो बनवाया ना उन्होंने आपको, ये तो मानेंगे ना कि उनकी मेहनत का नतीजा है कि आप आज एक सरकारी इम्प्लाई है। अगर शिक्षा ना होती तो शायद हम कभी ना होते, ये वो भी ना होता, कभी भी होकर ये भी पोस्ट ना होती जो आपके पास, ये भी पोस्ट ना होती। और हम अपने संत शिरोमण कबीर दास को ही अपना गुरु मानते हैं और हमारा कोई गुरु नहीं। और वैसे कवि कबीर दास जी जुलाहे का काम करते थे और कवि थे, समाज को जगाने का भी काम किया, वैसे हम भी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं और अपने समाज को जगा रहे हैं, जगाने का काम भी कर रहे हैं। अच्छा बादल जी, मुझे ये बताइए कि आप समाज के में आपने जो लोगों की हालत है वो कैसी है, आपकी तो व्यक्तिगत मैंने हम तमाम दर्शक ने सुन ली, लेकिन अपने आसपास के लोगों की हालत कैसी है लगभग? बड़ी दयनीय हालत है उनकी कि वो शिक्षा पे उनका रुझान इतना नहीं है, क्योंकि कमाना और खाना बस यही उनकी जिंदगी है और पी के और अपनी जिंदगी को इसी में वो अपना सारा भविष्य देख रहे हैं। और हमारी ये सलाह रहती है, हमारा मिशन ये कहता है कि शिक्षित बनो, प्रयास है हमारे जितने भी समाज के लोग हैं जुड़े हुए, जैसे भारती जी, अमरजीत भारती जी जैसे लोग और तमाम हस्तियां ऐसी हैं जो लगी हुई हैं इस मिशन जी। बादल जी, मैं एक चीज और जानना चाह रही हूँ कि लड़कियों की शिक्षा कैसी है अपने समाज की, आपके एरिया में? लड़कियों की शिक्षा भी अच्छी है, पहले से कुछ अच्छी है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, अच्छी है। लेकिन बादल जी मुझे ये बताइए, आप क्या, आपका क्या मानना है कि हमारे लोग शिक्षित हुए नहीं? जाहिर सी बात है, जब शिक्षा ही नहीं है तो आप लाइन में भी नहीं लग सकते किसी कंपटीशन, जी, 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 जी। उसके योग्य भी नहीं है ना आप, तो कैसे समाज का सुधार होगा, आप कैसे देखते हैं इसको, क्या करना चाहिए? मानसिक परिवर्तन, समाज में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं, सबसे पहले मानसिक परिवर्तन होना चाहिए और वो शिक्षा ही कर सकती है मानसिक परिवर्तन, इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। चाहे इतना भी उजाला क्यों ना हो, प्रति जागृति आएगी जी, जब तक शिक्षित अधिकार भी, क्योंकि क्योंकि हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इसलिए हम उनकी कार्बन काम भी हम कह रहे हैं कि कितना भी उजाला क्यों ना हो, कितना भी उजाला क्यों ना हो पर प्रगति को मार्ग तुम ना पाओगे, कितना भी उजाला क्यों ना हो पर प्रगति मार्ग तुम ना पाओगे, और कूटनीति के इस कल्प वृक्ष को जब तक ना काट गिराओगे, जब तक ना काट गिराओगे। स्वर्ग की सीढ़ी आडंबर है,
स्वर्ग की सीढ़ी आडंबर है, धरती नर्क स्वर्ग अंबर है, तो जाओ तुम स्वर्ग संभालो, हमें नर्क दो, साथ हमारे अम्बेडकर हैं, साथ हमारे अम्बेडकर। जी बहुत अच्छे। बादल जी एक चीज मुझे ये बताइए कि आपकी अब तक सबसे प्रिय रचना कौन सी है आपकी, हालांकि माँ के लिए जैसे सारे बच्चे बराबर होते हैं, ठीक उसी तरह कवि के लिए अपनी सारी रचनाएं सारी किताबें बराबर होती है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने पहली बार जब ऐसा कुछ लिखा होगा तो वो जो खुशी की अनुभूति होती है उसका कुछ हमें अंश सुनाए। जी ठीक है, सुना रहे हैं सर। नहीं चाहता गलियों में, नहीं चाहता गलियों में रक्तपात कुछ होए, नहीं चाहता आंगन में अबला कोई रोए, नहीं चाहता देश के अंदर, नहीं चाहता देश के अंदर भूखा कोई सोए, मैं चाहूं सुख शांति सर्वदा, कृषक जहां खुश होए, कृषक जहां खुश होए, कवि की का इच्छा है, कामना है। जी 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 बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब मैं बादल जी आपसे अंतिम सवाल के रूप में जानना चाह रही हूँ कि आप स्वच्छकार समाज को क्या उपदेश देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं। एक रचना और सुना देंगे तो और अच्छा रहेगा, उस रचना के बाद ये जवाब दीजिए। ठीक 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 ठीक। देखिएगा समाज में हमारे ये होता क्या है कि हमारे समाज की दशा और दिशा आदमी अपने आप को नहीं पहचान रहा तो पहचान कहाँ से मिलेगी, तो ये विरासत में मिली हुई चीज है, इस पे विचार करने की जरूरत है कि उपेक्षा मिली विरासत में, उपेक्षा मिली विरासत में और सोचा नहीं सियासत में, अपने हक से अनजान रहे, अपने हक से अनजान रहे, सुधार करो अब आदत में, और मौलिक मूल्य को पहचानो। क्या है मौलिक मूल्य? शिक्षा। मौलिक मूल्य को पहचानो और क्यों रहते अनजान, जब अपने को पहचानोगे, जब अपने आप को पहचानोगे तब पाओगे पहचान, नहीं पहचान मिलने वाली नहीं, पहचान मिलने वाली। जी बहुत खूब, धन्यवाद। हाँ जी, लास्ट सवाल, आप हमारे समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज आपका जी, आपसे जो उम्मीदें कर रहा है, संदेश आपका क्या संदेश है समाज के युवाओं को? हमारा ये संदेश है कि है मेरे साथियों, जो खासकर उन लोगों को जो शिक्षित हुए हैं, जो शिक्षित हो के कहीं न कहीं ऐसे पदों में हैं जो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं, और उनसे उम्मीद है कि वो समाज का नेतृत्व करें, समाज को दिशा दें, समाज इस अंधकार में भटक रहा है, तो इसको नेतृत्व करना और दिशा देना ये आपका काम है, आप आइए और साथ चलिए। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो ज्यादा कुछ विकास कर गए हैं, वो लोग अपने नाम के आगे कुछ और लगा के, जाति उच्च जाति लगा के अपने आप को छिपा लिया है, अब हम नहीं जाते कि वो कौन से हैं और कहाँ किन उच्च पदों में बैठे हुए हैं, हम तो वैसे भी दिशाहीन है, इसलिए उन लोगों से एक निवेदन है कि वो अपने नाम के आगे जो एक पर्दा डाल के रखा है उस पर्दे को हटाएं, हकीकत से रूबरू हो और ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि समाज को एक दिशा दें, ये हमारी इच्छा है, कामना है।
मैं चर्चा को अंतिम कविता के साथ जरूर एक बार सुनना चाहूंगी, एक और कविता सुना अंतिम। जी जी जी, देखिएगा, स्वतंत्रता के इस आंगन में सब उलट पलट सा होता है, दोषी को सम्मान मिले अपराधी पोषित होता है। दोहराएंगे कसमे वादे जो झूठ लाए जाएंगे, देश के नेता स्वार्थ के खातिर क्या क्या जाल बिछाएंगे, खून चूस कर ये जनता का अपनी साख बढ़ाए हैं, छीन के लो रोटी भिख मंगो की, छीन के रोटी भिख मंगो की, लंदन कालीन मंगाए हैं। देखिएगा, सत्यमेव जयते कहते, जहां सरकारी ऑफिसों में जहां भी जाया जाए लिखा होता है सत्यमेव जयते, मगर होता क्या है कि सत्यमेव जयते कहते पर जीत असत्य की होती है, और नैतिकता आंसू पोछे मानवता घायल रोती है, और साक्ष बेड़ियों में जकड़ा कानून कराह करता है, और खूंखार भेड़ियों से बकरा जीवन की आशा करता है, खूंखार भेड़ियों से बकरा जीवन की आशा करता है। बहुत बादल जी, आप वाकई राधे श्याम ने जो कहा है मुझे नहीं लगता कि उन्होंने गलत कहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कविता के माध्यम से जो समाज के सामने अपनी पीड़ा अपना दर्द रखा है वो काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन एक ऐसा संदेश है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, कबीर साहब के अनुयायी, ज्योतिबा फूले के अनुयायी, संत रैदास के अनुयायी, आप जैसे लोग ही कर सकते हैं। चर्चा की इस कड़ी में मैं चाहूंगी कि बादल जी हमारे साथ फिर दोबारा बने रहेंगे, एक बार फिर मैं आपसे एक दिन चर्चा के लिए आऊंगी। आपकी जाते जाते बस दो रचनाएं आपके सम्मान में भेंट, पढ़ा लिखा जय भीम है जी, पढ़ा लिखा जय भीम है, और ये अनपढ़ है जय राम जितना अनपढ़ है, पढ़ा लिखा जय भीम है और अनपढ़ है जय राम, और जब तक ये अनपढ़ राम है तब तक दलित गुराम कहा है रहेगा। बहुत 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 धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया, वहां बैठ के दिया है जहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसके बावजूद भी आप जुड़े हैं, ये मेरे लिए सम्मानजनक था। आज की चर्चा में मैं डॉक्टर कौशल पवार, बाबूराम बादल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय भीम, धन्यवाद।